हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत रस्तोगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली ऑलवेज ग्रो। एज यू नो, टुडे वी लर्न नेक्स्ट डे मार्केट बिहेवियर बाय टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखिए, हम यहाँ पर जो है इस वीडियो को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो हम इंडसइंड बैंक है हमारा स्विंग और इंट्राडे जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप जो है वीडियो को पूरी देखें और यहाँ पर समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो साइकोलॉजी भी आपको बताई जाएगी और टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आप यहाँ पर जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पिछले दिन हम लोगों ने कहाँ पर ट्रेड किया था। यहाँ पर ट्रेड किया था RSI डाइवर्जन, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर यूज नहीं कर पाए होंगे ज़्यादातर, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पर देखते हुए चलना चाहिए RSI को भी। यहाँ पर जो है एक बढ़िया ट्रेड मिली, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे तक देखिए, यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट जो है निफ्टी में अचीव किए गए, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा निफ्टी की तरफ, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर साइकोलॉजी बताते हैं आपको मार्केट की। यहाँ पर देखिए, जब हमारा लेवल जो हमारा है 18,000 का, यहाँ का लेवल जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, तभी हम बाइंग करेंगे। अब हम यहाँ पर नहीं कि मार्केट खुले मंडे को हम यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, नहीं, हमको बाइंग तभी करनी है जब हमारा मार्केट जो है 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सके, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे और ऊपर सस्टेन करे कुछ दिनों तक। इसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े मूव के लिए ऊपर जा सकते हैं। और इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर जो है फ्लैट ओपन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर मार्केट जो हमारी फ्लैट ओपन होगी, ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा बना है ये हमारा क्या है, डिमांड एरिया है। सप्लाई ऊपर थी, डिमांड नीचे, यानी हमारा क्या, सपोर्ट हमारा यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, 17,700, यानी 17,700 के नीचे, यानी 17,680 के नीचे अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 20 पॉइंट का ऐसा लगा अगर हम क्या करेंगे, नीचे की साइड में बैठ जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे की तरफ राइट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ हमारे कितने टारगेट हैं, यहाँ पर देखिए 140, लगभग 150 पॉइंट हमको यहाँ पर अचीव हो सकते हैं अगर जो निफ्टी क्या हुआ, अगर फ्लैट ओपन होगा, ठीक। अगर मानना कि यहाँ पर निफ्टी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कैसे ओपन हो गया, यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर कहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको पहले दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ के आसपास, यानी आप यहाँ पर देखें इस समय हमारा जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी हमारा कहाँ पर दिखा रहा है इस समय, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, ये रहा यहाँ पर 85, यानी 85 पॉइंट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नीचे खुलेगा मार्केट हमारा। तो इस समय जो है पूरा जो है वर्ल्ड जो है निगेटिव में भी चल रहा है मार्केट सभी के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर देखिए हमारा माइंडसेट क्या होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 17,640-50 के आसपास खुला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अचानक जो कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे, ठीक, कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे यहाँ पर अगर खुलेगा, ठीक, यहाँ पर अगर खुला तो इसको हम क्या करेंगे, एक पुल बैक लेने देंगे। पुल बैक लिएगा तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आई है यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आई यहाँ पर देखिए, तो यह इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो इसके ऊपर का असर लगा कर यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग साइड में बैठ जाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पर जो है मार्केट
15 से 20 मिनट यहाँ पे बिता देता है साइडवेज, इसके बाद जिस तरफ भी जाएगा मुझे बड़ा मूव मिल सकता है। तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाने का प्रयास करें, यहाँ पर जो डायरेक्ट आप सेलिंग में ना बैठेंगे, ठीक, आप यहाँ पर सेलिंग में बैठेंगे और इसके बाद जो है पूरा नीचे की तरफ मूव कैप्चर करेंगे। स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, ट्रेलिंग करते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए यह मूव बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, ठीक, जिन लोगों ने इसको पढ़ा सही से उन लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। अब हम बाइंग कहाँ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमको बाइंग साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक होगा तभी हम बाइंग करेंगे। तो हमारा यह रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस, तो इसकी जो हम यहाँ पर सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके जो डेस्कटॉप है ओपन करके पूरी एनालिसिस यहीं पर कर सकते हैं चार्ट पे, ठीक, आपको यहाँ पर लेवल बने हुए मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमारा क्या लेवल रहेगा, यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए प्योर प्राइस एक्शन पे यहाँ पर देखिए एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हमारा देखिए आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ का जो हमारा लेवल है ये रहा हमारा ये बॉक्स, आप इसको जो है ड्रा कर सकते हैं, इसके अंदर हमको कोई भी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ठीक, या जो है 100 पॉइंट की रेंज है इसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो सेलर होंगे यहाँ पर साइडवेज भी इसको ले जा सकते हैं, इसके बाद जो है फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जो क्या होगा नहीं ब्रेक कर सकता अगर, तो सेकेंड टाइम जो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा साइकोलॉजी, यहाँ पर देखिए इसको जो भी यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो है पूरा साइडवेज गया, इसके बाद जो इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट कर दिया अगर 5 मिनट की कैंडल, तो यहाँ का जो एसएल लगाएंगे ऊपर जो 50 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में, इसके बाद हम नीचे के टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक। पहला हमारा यह रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ अगर मार्केट जो हमारा है गैप डाउन खुल रहा है तो यह भी जो है 200 पॉइंट नीचे खुलेगा यहाँ पर, ठीक, या यहाँ पर जो बात की थी हमने फ्लैट ओपन की, लेकिन यहाँ पर जो है खुल सकता है नीचे, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम तुरंत कुछ भी नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर वेट करना है। इसके अंदर अगर चली गई तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर क्या खाएगा यहाँ पर हमको मिलेगा एक यहाँ पर मिलेगा हमको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा जो मूव हमको कहाँ पर मिलेगा जब हमारा लेवल जो है 38,750 का लेवल जो ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर 320 यानी 350 पॉइंट हमको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे एक ही झटके में, ऑप्शंस में हमको मिलेंगे। तो ये हमारा रहा देखिए यहाँ पर इसकी एनालिसिस इस प्रकार है, ठीक। तो हम इसको जो है लिंक दे देंगे आपको, तो आप इसको जो है ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं पहले स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें। आप लोगों ने अगर इंडसइंड बैंक की जो है वीडियो नहीं देखी तो आप इसीलिए हम कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो आप देख सकें और जो है प्रॉफिट कर सकें। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्लियर कट यहाँ पर बताया था कि चैनल को ब्रेक करेगा उसी तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए मस्त यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से पोजीशन देखिए यहाँ पर क्या हुआ 17% यहाँ पर हम लोगों ने भी इसको होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर बता दें आपको इसमें बाइंग कब करनी है, यानी बाइंग की एंट्री आपको कब ढूंढनी है। ये रहा देखिए आपको यहाँ पर एक लेवल मिला यहाँ पर 1010 यहाँ के आसपास अगर हमको मिलेगा, अगर जिसको बाइंग करना है जिनको यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाए मौका छूट गया तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 1010 यानी 1000 के आसपास यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, यहाँ को EMA दिखा के यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्राइस एक्शन भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन हमारा क्या कहता है, यहाँ पर देखिए यह देखिए कितना बड़ा यहाँ पर पहले क्या था यहाँ पर सप्लाई जोन था, इसको जब ब्रेक किया गया क्या हो गया डिमांड जोन, तो यहाँ के आसपास जो है मार्केट आएगा यानी इंडसइंड बैंक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तब क्या करेंगे आप यहाँ का एसएल लगाकर आप जो है देखिए यहाँ पर यहाँ से आप बाइंग करेंगे, एसएल जो हमारा होगा यहाँ का होगा इसके नीचे का,
यानी 960 का SL होगा। और टारगेट हमारे क्या होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से बाइंग करेंगे ऊपर, यानी 230 पॉइंट का है हमारा ऊपर की तरफ बच रहा है, तो हम जो इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको बता दिया यहाँ पर क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंडसइंड बैंक आपके लिए सही रहेगा। ठीक, तो इसकी जो इन सभी की लिंक जो आपको यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंट्राडे। ठीक, इंट्राडे में हम क्या करेंगे, तो इंट्राडे में हम क्या करेंगे, अडानी। ठीक, यहाँ पर देखिए अडानी इंटरप्राइजेस। अब देखिए ये रहे आपके लेवल इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स, जो कि बढ़िया मूव देता है सभी तरफ। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर हमको अडानी जो है यहाँ पर मिल जाता है 3080 के आसपास, तो यहाँ पर क्या छोटी सी स्केल्पिंग कर सकते हैं बाइंग साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल बॉटम बन जाएगा, डबल बॉटम बनेगा तो श्योर है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर जो छोटा सा एसएल लगाकर, यहाँ पर 10 रुपये का एसएल लगाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग कर सकते हैं। 1:8 का हमारा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, रिट्रेस करता, तो यहाँ पर हम जो है एक सेलिंग की पोजिशन बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 50 पॉइंट नीचे की तरफ हैं, ऊपर यहाँ पर 80 हैं, और जब इसको ब्रेक करेगा यानी 3100, यहाँ पर देखिए 3170 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल की, तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3-4% के आसपास हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 3224 का, सेकेंड रहेगा 3296, यानी यहाँ पर क्या है 3300 का टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। तो आपके लिए यह इंट्राडे में जो है स्टॉक्स रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पर हमने बता दिया बैंक निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में क्या करना है। ठीक, तो आपको कोई गलती नहीं करना, क्योंकि मार्केट इस समय क्या है निगेटिव साइड में ज़्यादा चल रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइडवेज भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको 20 से 25 मिनट के अंदर मूव नहीं मिलता तो आप निकल सकते हैं, आपका प्रीमियम जो श्रिंक होने से बच जाएगा। और अडानी में क्या करना है, आप कैश में इसको कर सकते हैं, आप यहाँ पर अगर बड़ी लॉट से करना चाहते हैं यानी बड़े साइज से, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा इंट्राडे में इसमें। और यहाँ पर स्विंग में क्या है हमने आपको बता दिया। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं गिवअवे। हम यहाँ पर जो है हर जो है देखिए संडे को वीडियो बनाएंगे जिसमें हम गिवअवे करेंगे, जो कि चलता रहेगा एक वही गिवअवे जो हमारा है 5 दिनों तक चलेगा। इसके बाद जो हमारा अनाउंसमेंट होगा अगले संडे उसी में कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, कमेंट करना है इस वीडियो में कि एक ट्रेडर को जो है अच्छी तरीके से ट्रेड लेने के लिए क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है। ठीक, आपको जो है जितना हो सके उतना आप लिख सकें। हम इसमें जो है 20 लोगों को यहाँ पर हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और उनको यहाँ पर क्या करेंगे गिवअवे देंगे। आप पूछेंगे गिवअवे में क्या होगा, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर इसको विन करेंगे गिवअवे, यानी 20 लोग, ठीक 20 लोग जो हैं हमारे विनर होंगे। इसमें उनको क्या मिलेगा, उनको हमारा सेटअप मिलेगा, कौन सा सेटअप, जो कि हम यूज करते हैं पर्सनली, जिसकी जो है एक्यूरेसी जो है 80-85% है। ठीक, उनको जो सेटअप मिल जाएगा, उनको सेटअप कहाँ मिलेगा, और जब जीतेंगे अगर विन करेंगे तो हमको ईमेल कर देंगे, हम उनको जो है एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर जो उनको उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो हम उनको जो है जूम पर हम उनको लाइव क्लास भी दे सकते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग इसको कमेंट करें, इसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पर क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लाइव सीखना है हमारे साथ जूम पे, तो आपको यहाँ पर जूम पर भी दिखा सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार रहेगा गिवअवे का। ठीक, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गिवअवे हम जो है पैसों का नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि पैसे जो हैं अभी हम 5000 का कर देंगे गिवअवे, तो यहाँ पर क्या होगा 5×10 यानी 1,00,000 जाएंगे हमारे। ठीक, तो इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको अगर हम एक सेटअप दे देते हैं, अगर आपको यहाँ पर क्या करते हैं एक सेटअप देते हैं तो आप अगर उस सेटअप से जो है 1,00,000 नहीं, आप उसे 10,00,000 बना सकते हैं। ठीक, हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको खाना बना के दे नहीं रहे हैं, आपको यहाँ पर खाना बनाना सिखा रहे हैं,
तो आप इसको जो जरूर सीखें और इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। अगर आप लकी रहेंगे तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो है लगातार वीडियो पड़ेंगी, आप जो हर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार जो है वीडियो को देखते रहना है, सीखना है। और देखिए यहाँ प्योर प्राइजेक्शन यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर कोई यहाँ पर एक बच्चा भी ट्रेड ले सकता है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी की भी, तो यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकता है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में, कमेंट जरूर करें और रिव्यू में पार्टिसिपेट करें। ठीक, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।